आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वीमेंस वर्सेस बांग्लादेश वीमेंस के साथ आज मैच खेला जाएगा 10:30 पे। आपके पास टाइम ही टाइम है, वीडियो को पूरा देख लेना। अगर वीडियो को पूरा देखोगे ना, आप एक खुद से बेहतरीन टीम क्रिएट कर लोगे। और वीमेंस क्रिकेट में ग्रैंड लीग जीतना होता है बहुत ही आसान, तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और कैसा रिकॉर्ड है। ओके, और हाँ, अगर आपको फाइनल टीम या टॉस अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैच खेला जाएगा 10:30 पे, मैच नंबर 8 है। और ये मैच कहाँ खेला जाएगा? पोर्ट एलिजाबेथ में। और यहाँ का अगर पिच रिकॉर्ड देखोगे तो बैट्समैन को तो यहाँ पे मदद मिलता है, लेकिन पेसर्स यहाँ पे दबा के विकेट लेके जाते हैं। खास करके यहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिच है, तो यहाँ पे विकेट गिरता है भैया। ठीक है, अपनी टीम में पेसर्स ज़्यादा रखना। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता तो सारे ऑस्ट्रेलिया बॉलर को अपनी टीम में लेके चलना। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता तो बैट्समैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप लीग इलेवन पे नहीं खेल रहे हो तो बहुत ही लेट कर रहे हो। आप जाके देखो, मैं लीग इलेवन पे खेलता हूँ और क्लीन स्वीप वन साइडेड करता हूँ, क्योंकि लीग इलेवन पे कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। और हाँ, आपको लीडर बोर्ड भी मिल रहा है 25 लाख का। अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको थार, आईफोन और बुलेट मिल सकता है, साथ में कैश प्राइज भी है। तो लीडर बोर्ड जीतने का मौका है। पीएसएल और वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप दोनों मिला के आप एक अच्छा लीडर बोर्ड क्रिएट किया है, आप जीत सकते हो। और साथ में यहाँ पे फायदा क्या है, आपको पता है, यहाँ पे लेस एंट्री फीस है, बहुत ही लेस एंट्री फीस है। अदर जितने सारे एप्लीकेशन है ना, सबसे कम चार्ज यहाँ पे ही लिया जाता है। अगर आप 10 लीग ज्वाइन करते हो ना, तो एक एक्स्ट्रा लीग आपके लिए फ्री हो जाएगा, यहाँ पे इतना कम एंट्री फीस है। और कंपटीशन भी बहुत कम है, खास करके हाई इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मैं भी इसलिए यहीं पे ज़्यादा खेलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग नहीं डाउनलोड किए हो कर लो और खेलो। पिच रिकॉर्ड अगर यहाँ पे देखोगे, 3 मैचेस खेला गया है, बैटिंग फर्स्ट करने वाला यहाँ पे 2 बार जीता है। टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस में यहाँ पे तो गार्डनर का नाम है, पेरी का नाम है, मैग्नस काउट का नाम है, यहाँ पे बात करते सलमा खातून, निगाह सुल्ताना और मुख्तार मरूफा अख्तर का नाम है। 3 मैच में 6 विकेट लिया है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, अगर देखोगे जो मैचेस हुआ था, 189 का पारी खेला था, 1 विकेट गिरा था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वीमेंस का। और यहाँ पे देखोगे 103 पे ऑल आउट कर दिया था, मतलब 9 विकेट चला गया था। तो देखो, वैसे तो मैच तो ऑस्ट्रेलिया वीमेंस ही जीतेगा, क्योंकि अभी नंबर 1 पे है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया वीमेंस सबसे खतरनाक टीम है। यहाँ पे बात करते हैं तो ग्राफ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया वीमेंस का आगे है, प्लेइंग 11 सेम रहने वाला, ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब स्टैट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश का जो प्लेयर है समीमा सुल्ताना, पिछले मैच में अगर देखोगे 20 रन 40 रन 15 रन। ठीक है, ज़्यादा प्लेयर रखना नहीं है। अगर आप ड्रीम पे खेल रहे हो, मैं क्लियरली बताता हूँ, सिर्फ 1 से 2 प्लेयर रखना, बाकी सारे के सारे आपको ऑस्ट्रेलिया का ही प्लेयर रखना है। ठीक है, बाकी आप देख लो, आपके सामने रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं मुर्शिदा खातून, जिनका रिकॉर्ड बहुत ही बेकार है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 1 मैच खेली थी, 8 रन बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, हाँ, साबाना पिछले मैच में अच्छा पारी खेली थी, 29 रन की पारी, आज इसके साथ जा सकते हो। इनका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम है, आप इसको अपनी टीम में ले सकते हो। लीग 11 पे इसको जरूर अपनी टीम में रखना। ठीक है, बात करते हैं निगाह सुल्ताना जॉय, तो इनका अगर देखोगे तो इनका भी रिकॉर्ड बढ़िया है, आप लीग 11 पे इसको भी अपनी टीम में रख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 1 मैच खेली थी, 19 रन बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे वीमेंस क्रिकेट में बस यही दिखेगा, 19 रन 15 रन यही बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होता है। खास करके यहाँ पे बात करते हैं एस अख्तर, ये अच्छा बॉलिंग कर लेती है, पिछले मैच में विकेट नहीं लिया था, लेकिन कई बार ये विकेट लेके चली जाती है। ठीक है, देखोगे राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है। लता मंडल की बात करते हैं तो इनका उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। रितु मौनी की बात करते हैं, ये अच्छी ऑलराउंडर मानी जाती है, लेकिन फिलहाल अभी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सलमा खातून की बात करते हैं, ये भी एक अच्छी बॉलर माना जाती है, अच्छी विकेट लेके जाती है, राइट आर्म स्पिनर है, और पिछले मैच में 9 रन बनाए थे, 0 विकेट लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 1 मैच खेलिए, 1 विकेट लिया है, आप इसके साथ जा सकते हो स्मॉल लीग में। जहराना आलम की बात करते हैं तो ये विकेट लेस रही है ऑस्ट्रेलिया वीमेंस के अगेंस्ट में, और पिछले मैच में भी विकेट लेस रही थी, बाकी 5 मैच खेले सिर्फ 1 मैच में विकेट लेके गई। एन अख्तर की बात करते हैं, ये भी अच्छी बॉलर है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में विकेट लेस रही है। मारूफा अख्तर की बात करते हैं, पिछले मैच में इसने 3 विकेट लिया था, और भाई अंडर 19 का प्लेयर है, बहुत ही अच्छा बॉलर है, 3 मैच में 6 विकेट ले चुकी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे फॉर्म में, आप इसके साथ जा सकते हो। बात करते हैं ये रुमाना अहमद है, अगर खेलती तो इम्पोर्टेंट है, बाकी और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वीमेन की तरफ से एलिसा हेली इंपॉर्टेंट है, कीपिंग से भी पॉइंट देखे जाएंगे, बैटिंग से भी पॉइंट देखे जाएंगे। पिछले मैच में 55 रन की पारी खेली है, और बांग्लादेश के अगेंस्ट में 83 रन का पारी खेली है। अगर आप सेफ कैप्टन बनाना चाहते हो तो आराम से बना सकते हो कैप्टन। ठीक है,
बात करते हैं बैट मुनी, पिछले मैच में भले फ्लॉप रही थी जीरो पे, लेकिन बांग्लादेश के केस में 81 रन का पारी खेली है, तो इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आप इसको वाइस कप्तान या कैप्टन भी बना सकते हो। आज मैगालिनिंग की बात करते हैं तो इनका बैटिंग ही नहीं आया था, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे ना, अगर ऑस्ट्रेलिया विमेंस पहले बॉलिंग करती है ना तो शायद दो बैट्समैन ही जिता के चला जाएगा, ठीक है। बाकी इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, गार्डनर का रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, एक मैच के लिए 22 रन बनाई है, अगर ये बॉलिंग करते तो विकेट भी लेके गई जाएगी, पिछले मैच में इसने 5 विकेट लिया था। पहला मैगराथ पिछले मैच में बॉलिंग की थी, विकेट नहीं मिला, पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर एक ओवर दो ओवर मिला विकेट लिया तो ठीक है, ड्रीम पर रख लेना, बाकी लीग 11 पे इसको ड्रॉप कर देना। एलिसा पेरी की बात करते हैं तो बांग्लादेश के अगेंस्ट में एक मैच खेली थी, विकेट लेस रही थी, बाकी पिछले मैच में एक विकेट लिया, 40 रन की पारी भी खेली। बात करते हैं जी हरीश का बैटिंग बहुत नीचे है, बॉलिंग कर नहीं रही है, चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जोनसन की बात करते हैं, ये विकेट लेके जाएगी, एक मैच खेली थी 2 विकेट लिया है। डी ब्राउन की बात करते हैं, पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, ये भी विकेट लेके जाएगी, पक्का लेके जाएगी। मैग्नस स्काउट की बात करते हैं, पिछले मैच में इसने 3 विकेट लिया है, सॉरी यहाँ पे 2 विकेट लिया है, बांग्लादेश के अगेंस्ट में इसने 3 विकेट लिया, तो कैप्टन बना सकते हो। बात करते हैं एलेना किंग, ये भी बेटर है, ठीक है, पिछले मैच में फ्लॉप रही थी लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट में विकेट लेके जाएगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे किम गर्थ है, ग्रहम है, वरेहम है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एसथरलैंड ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग फैंटेसी टीम क्रिएट करते हैं। देखो लीग 11 पे तो वही पुराना मेथड है, 4 और 7 का कॉम्बिनेशन आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे तो 7 4 प्लेयर मैंने रखा है यहाँ पे, मोस्टी को, एम खातून को, सलमा खातून को, यहाँ पे एम अख्तर को, ठीक है। बाकी सारे अगर देखोगे दोनों ओपनर, एलिसा हेली बैट मुनी ओपनर है, मैगालिनिंग को मैं अपनी टीम में तब रखूंगा जब पहले ऑस्ट्रेलिया विमेंस पहले बैटिंग करती है, वरना आप इसको ड्रॉप करके हम यहाँ पे जोनेसन्स के साथ जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको ज्यादातर बॉलर रखना है, अगर ऑस्ट्रेलिया विमेंस पहले बॉलिंग करती है तो इनके जितने सारे जो 4 ओवर पक्का बॉलिंग करेगी या 3 ओवर पक्का बॉलिंग करेगी उसको 100% रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ मैंने कैप्टन स्काउट को बनाया, वाइस कप्तान मैंने गार्डनर को बनाया, अब हेली को भी कैप्टन बना सकते हो, आपके लिए सेफ ऑप्शन है, ठीक है। ये टीम है लीग 11 पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो, अच्छी एप्लीकेशन, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है और कम एंट्री फीस है। बात करते हैं ड्रीम पे, अगर आप खेलते हो तो यहाँ पे भाई 10 और 1 का रेशियो है, तो सिर्फ मैंने सलमा खातून को रखा, बाकी सारे मैंने ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर रखा, जिसमें मैग्नस स्काउट को कैप्टन, गार्डनर को वाइस कप्तान बनाया। वाइस कप्तान आप हेली के साथ जाओगे तो आप थोड़ा सा आप सेफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पिछले मैच में गार्डनर ने 5 विकेट लिया था, लेकिन हो सकता है कि बॉलिंग ना मिले, आज हो सकता है कि एलिसा पेली को बॉलिंग ना मिले, वीमेंस क्रिकेट में ऐसा ही होता है, यह बहुत एक्सपेरिमेंट होता है, खास करके वर्ल्ड कप है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे भी कमजोर टीम के साथ मैच है तो एलिसा पेरी हो सकती है कि आज बॉलिंग ना करे, तो आप देख लेना, अगर इनको ड्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो आराम से, ठीक। टाइलर मैगराथ को भी हो सकता है कि बॉलिंग मिले या ना मिले, कोई चांस है नहीं। अगर फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।